साथियों, अब से कुछ दिन बाद हमारा देश महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का पर्व मनाएगा। महात्मा गांधी का प्रकृति के प्रति, स्वच्छता के प्रति जो आग्रह था, उससे सीखना, अपने जीवन में उतारना हम सभी भारतीयों का दायित्व है और उन्हें यही उत्तम से उत्तम सच्ची श्रद्धांजलि भी है। महात्मा गांधी 150 ये प्रेरणा का वर्ष है। स्वच्छता ही सेवा के पीछे भी यही भावना जुड़ी हुई है। आज से शुरू हो रहे इस अभियान को इस बार विशेष तौर पर प्लास्टिक के कचरे से मुक्ति के लिए समर्पित किया गया है। भाइयों और बहनों, प्लास्टिक से होने वाली समस्या समय के साथ गंभीर होती जा रही है। आप ब्रजवासी तो अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे प्लास्टिक पशुओं की मौत का कारण बन रही है। इसी तरह नदियां, झीलों, तालाबों में रहने वाले प्राणियों का, वहां की मछलियों का प्लास्टिक को निगलने के बाद जिंदा बचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अब हमें सिंगल यूज प्लास्टिक, यानी ऐसी प्लास्टिक जिसको एक बार उपयोग करके हम फेंक देते हैं, उससे छुटकारा पाना ही होगा। हमें ये कोशिश करनी है कि इस वर्ष 2 अक्टूबर तक अपने घरों को, अपने दफ्तरों को, अपने कार्यक्षेत्रों को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करें। मैं देश भर में, गांव गांव में काम कर रहे हर सेल्फ हेल्प ग्रुप से, सिविल सोसाइटी से, सामाजिक संगठनों से, युवा मंडलों से, महिला मंडलों से, क्लबों से, स्कूल और कॉलेज से, सरकारी और निजी संस्थानों से, हर व्यक्ति, हर संगठन से इस अभियान से जुड़ने के लिए हृदयपूर्वक बहुत बहुत आग्रह करता हूं। आपके संतानों के उज्जवल भविष्य के लिए हमें ये करना ही होगा। आप प्लास्टिक का जो कचरा इकट्ठा करेंगे, उसको उठाने का प्रबंध प्रशासन करेगा और फिर उसको रिसाइकल किया जाएगा। जो कचरा रिसाइकल नहीं हो सकता, उसको सीमेंट फैक्ट्रियों में या फिर रोड बनाने में काम लाया जाएगा। भाइयों और बहनों, अब से कुछ देर पहले मुझे कुछ ऐसी महिलाओं से मिलने का अवसर मिला है जो विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक को अलग अलग करती है। इस प्लास्टिक का अधिकांश भाग रिसाइकल कर दिया जाता है। इससे उन महिलाओं को आमदनी भी हो रही है। मैं समझता हूं इस तरह का काम गांव गांव में किए जाने की जरूरत है। वेस्ट टू वेल्थ, यानी कचरे से कंचन की ये सोच ही हमारे पर्यावरण की रक्षा करेगी, हमारे आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाएगी। साथियों,
स्वच्छता ही सेवा अभियान के साथ ही कुछ परिवर्तन हमें अपनी आदतों में भी करने होंगे। मैं आपसे लाल किले से भी इस बारे में बता चुका हूं, आज फिर इस विषय को उठा रहा हूं। हमें यह तय करना है कि हम जब भी दुकान में, बाजार में सब्जी लेने के लिए, कुछ भी खरीदारी के लिए जाएं, तो साथ में अपना झोला, थैला, बैग जरूर लेकर के जाएं। कपड़े का हो, जूट का हो, अवश्य ले जाएं। पैकिंग के लिए दुकानदार प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, ये भी हमें सुनिश्चित करना होगा। मैं तो इसके भी पक्ष में हूं कि सरकारी दफ्तरों में, सरकारी कार्यक्रमों में भी प्लास्टिक की बोतलों के बजाय मेटल या मिट्टी के बर्तनों की व्यवस्था हो।